आराम से आराम पीछे रहो पीछे एकदम पीछे हो जाओ नहीं था, पर आप लोगों का प्यार इतने दूर से आया हूं, थोड़ा जरूर बोलूंगा। आदरणीय हमारे वाइस चांसलर, जो सबसे आपका वाइस चांसलर सबसे बड़ा पद होता है, जो युवाओं को इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की आजादी की रक्षा के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए, भारत के अंदर एक फिर राजनीति गुलामी का दौर चला, किसी पुलिस अधिकारी को काम नहीं करने दिया, राजनीतिक लोगों ने कब्जा कर लिया, जात और मजहब में बट गए। मैं पूछना चाहता हूं, कास्ट और मजहब में, धर्म में बांटने वाले लोगों को, अगर आपको पता है कि मर के अगर तुम्हारा जन्म इसी धर्म में लोगो तो काट डालो, मार डालो, अगर पता नहीं है कि आपने पूरे काम किए हैं, आपने मक्खी बनना है, मच्छर बनना है, कीड़ा बनना है, फूट के नीचे कुचल जाना है, या आपने एक अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए, तो मौत का पता है, तो फिर बांटो मत धर्म और मजहब के अंदर। मेरे से आदत में आ जाते हैं, मैं आपको एक ही कहता हूं, मेरे से धर्म पूछ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, भारत माँ में पैदा हुआ, और जब पंगो गोलियों से कभी दोबारा मौत आएगी, भगवान के चरणों में हमेशा यही कहता हूं, इतना वक्त दे देना मुंह से निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई आया है, हार हार ये देख रहे, अखबार निकल रहे, कल टीवी में देख रहा था, दो क्रिमिनल गले में फट्टे लगाई हुई, हमें माफ कर दो। अरे काम करो, मेहनत करो, यूपी सोने की चिड़िया है, यूपी को आगे करो, इतिहास बनाओ, सुबह उठो, जात पात मजहब की राजनीति, कौन सा धर्म, कौन सी का, मैं हिंदू, मुझे अच्छा बनाती थी, आज एक ये इसको बेबे माफ कहता हूं, अब ये मेरी सफाई करता है, मेरे साथ रहता है, और वो जो सेवा करते थे, झाड़ फूट करते थे, वो कहते थे भगत सिंह तो इतनी बड़ी कास्ट का व्यक्ति है, तू जाट है, मैं छोटा सा बंदी हूं, उसमें देखा गया भारत, हम आने वाली जनरेशन के लिए एक नया आजाद भारत छोड़ना है, और एक लड़का अनाड़ी जो कैबिनेट मंत्री था, वो कहता नरेंद्र मेरा पक्ष करे तो नरेंद्र मोदी की खाल उड़ लू, वो नरेंद्र मोदी जिसने पाकिस्तान चाइना के कहने के बाद किया, जिसने दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा कर दिया, जिसके नाम से आतंकवादी काम से है, जब आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं उनको पता नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं,
जो यूपी में चला थार थार वही कश्मीर में थार थार समझौता नहीं होगा, उस चीजें कल से कल का लड़का उसकी खाद उठेगा। ये हमारी राजनीति की संस्कृति है। जागो, उठो, मजहब और धर्म में मानने वालों समझो। मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूं, मैं मायावती के खिलाफ नहीं हूं, मैं समाजवादी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, पुराना कांग्रेस नहीं हूं, पर मैं उसके खिलाफ हूं जो हमें बांटने की कोशिश करता है। कहा बाबा साहब अम्बेडकर भाई जिन्होंने संविधान बनाया, कानून बनाया, और ये लोग उनके ठेकेदार बन गए। दिल्ली में जाके देखो इनके बिल्डिंगे, आपके खून पसीने का यूपी से लुटा हुआ पैसा, नोएडा में देखो इनके काम। ये पैसा जब ऊपर जाएंगे, ये हजारों करोड़ अपने साथ ही लेके जाएंगे, भगवान से लिखवा दिया इन लोगों ने। नहीं, ये करवा था। और ये जो पाकिस्तान में रोज फायरिंग चल रही है, घबराइए मत, इसमें कोई शक नहीं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पर आतंकवादियों से अब समझौता नहीं है कि एक तरफ गोली चलेंगे और दूसरी तरफ हाथ से मिल करके बातचीत करेंगे, खाना खाएंगे। गोली चलेगी तो गोली का जवाब देंगे। 18 जवान शहीद होते हैं तो पाकिस्तान में घुस करके 45 को ठोके हमारे जवान वापस आते हैं। ऐसी ऐसी इनको अब पता चलेगा कि हिंदुस्तान से टक्कर लेने का क्या होता है। और आखिर में पाकिस्तान को यही कहना चाहूंगा कि भारत तेरा हाथ एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है। वंदे मातरम, जय हिंद। रिकॉर्ड कर अच्छा एक मिनट जरा, इनको माला पहले, माला अमित जी आप माला पहने, थोड़ा नीचे एक मिनट जरा रुक जाए, माला पहले इनको पहना दें। एक एक सतीश कुमार यादव जी, गोल्ड मेडल त्रिपाठी जी मेडल लाओ भाई। अच्छा ठीक है, उनको बुलाओ। जोरदार तालियां। तालियां बजती रहे, बहुत खास परिश्रम किया है। पूरे देश में आपको जो है सर, आप दिल से बोल रहा हूँ मैं सर, बड़ा जोर भर रही है। हमारे युवा बहुत बहादुर हैं, आपका स्वामी चलेंगे।